स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो यामा कंपनी का YBR बाइक है, इस बाइक में प्रॉब्लम हुआ है क्या? जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये बाइक जो ख़राब हुआ है, अब मैं ठीक करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा जो इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट मार के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इग्निशन ऑन किया और यहाँ मीटर कंट्रोल में न्यूट्रल बॉल जल गया और हॉर्न भी बज रहा है और सेल भी ले रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पैर से किक मार के दिखा रहा हूँ स्टार्ट ले रहा है कि नहीं। आप लोगों ने देखा जो बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है, अब सेल मार रहा हूँ, सेल भी नहीं ले रहा है। अब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं ले रहा है। सबसे फास्ट हम लोग क्या देखें, जैसे अगर हमने हाथ दिया तो इसमें जैसे कि झटका देना चाहिए था और शॉट मारना चाहिए था, करंट नहीं आ रहा है। तो अब हम इसमें क्या सबसे पहले करेंगे वही देखिए। ये इंजन एकदम ओके है, इसमें प्रॉब्लम हुआ है करंट का। अब करंट मिसिंग के लिए हम लोग क्या करें, करंट मिस हो चुकी है। तो टैंकी पैनल सीट कवर खोलते हैं और आप लोगों को बताएंगे जिसमें एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे कि टैंकी पैनल कवर सीट सब कुछ खोल लिया है और ये जो मेरा CDI कॉइल है, हम चेकअप करेंगे सबसे पहले CDI में, क्योंकि अगर ये CDI अगर कटा रहे तो इग्निशन में करंट नहीं जाएगा। तो ये जो कपलर है हम चेकअप करेंगे, इसमें पिकअप कॉइल आ रहा है कि नहीं, बोल्ट आ रही है कि नहीं, बोल्ट आएगा तो कितना तार में बोल्ट आएगा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले एक कपलर हम खोलते हैं, क्योंकि मुझे ये जो CDI है, CDI यूनिट मेरा अगर ख़राब रहे तो मुझे पता किस तरह से चले जो CDI यूनिट ख़राब है, क्योंकि ये महंगा CDI यूनिट है। अगर हम दुकान से ख़रीद के लाए और इसमें लगाए और CDI अच्छा रहे तो फिर भी काम नहीं करेगा, बट ये CDI दुकानदार इसको रिटर्न भी नहीं लेगा। तो महंगा CDI है, रिटर्न तो नहीं लेगा। अब हम चेकअप करेंगे इसमें कि बोल्ट आ रही है कि नहीं, आर्थिंग आ रही है कि नहीं, आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है मिट्टी कलर का है, तो इसमें हम चेकअप करेंगे जैसे कि इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें बोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलो हम इग्निशन तो ऑन करते हैं और आपको दिखाएंगे जो इसमें बोल्ट आ रही है कि नहीं। यहाँ मेरा मल्टीमीटर है, देखो, ठीक है, यहाँ मल्टीमीटर है। तो सबसे पहले हम बोल्ट चेकअप करते हैं, इसका आउटपुट बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इनपुट ठीक आ रही है कि नहीं। तो ये जो मिट्टी कलर का वायर है इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, हमने इग्निशन ऑन कर दिया है और यहाँ देखिए मल्टीमीटर को हमने 20 पे किया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से दिखाएंगे। आज दुकान हमने खोला है बट मेरे स्टाफ नहीं आया है, तो चलो जैसे कि यहाँ लगाया और ये वायर को हमने यहाँ टच करे, यहाँ करेंगे तो 12 वोल्ट हमारे यहाँ शो कर रहा है। मल्टीमीटर पे देखो 12 वोल्ट शो कर रहा है, जैसे कि हमने एक वायर, ये जो मिट्टी कलर का वायर है इसमें हमने कनेक्शन किया और कहीं बॉडी के साथ टच किया और 12 वोल्ट का ऊपर आ रहा है, तो मेरा बैटरी वोल्ट मुझे ठीक मिल रहा है। अब हम चेकअप करेंगे जैसे कि बॉडी अर्थिंग। तो बॉडी अर्थिंग कौन सा वायर है, ये जो आपको हरा कलर का वायर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नहीं होगा यामा बाइक में, ठीक है, यामा बाइक के लिए बॉडी अलग है। तो चलो ये जो ब्लैक कलर का वायर है, ब्लैक एकदम ब्लैक है, ये हम लोगों का बॉडी ग्राउंड है। तो चलो मल्टीमीटर को हम करते हैं कॉन्टिन्यू पे कर लिया है, अब यहाँ जैसे कि सपोर्ट करेगा 0-0 आएगा। तो चलो हम बॉडी ग्राउंड चेकअप करते हैं, बॉडी ग्राउंड ज़्यादा ख़राब नहीं होता है बट हम चेकअप कर लेते हैं। तो यहाँ देखो बॉडी ग्राउंड भी ठीक आ रही है। अब हम चेकअप करेंगे जैसे कि पिकअप कॉइल का 2 वायर आता है, तो इंजन से ये जो दोनों हरा कलर का वायर है, मेरे मैकेनिक भाइयों यहाँ देखिए हरा कलर का वायर और ये जो ग्रीन कलर में
थोड़ा पीला मिर्चा रहा है, ये दोनों ही है पिकअप कॉइल का। अब हम जैसे कि पिकअप कॉइल को चेकअप करेंगे तो माल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यू पे ही रखेंगे, ठीक है, कंटिन्यू पे ही रखा। चलो पिकअप कॉइल को हम चेकअप करते हैं। पिकअप कॉइल में हमने लगाया और माल्टीमीटर को देखो कोई शो नहीं कर रहा है। हमने कनेक्शन करा हुआ है बट कोई शो नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वोल्ट ठीक आ रही है, बॉडी ग्राउंड भी ठीक आ रही है, बट इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो हम लोगों का पिकअप कॉइल। अब हम आपको दिखाते हैं जो पिकअप कॉइल में एक्चुअली हुआ क्या है। तो चलो पिकअप कॉइल का यहाँ खोलते हैं। ये जो पिकअप कॉइल का कपलर है, ठीक है, पिकअप कॉइल का हम कपलर पहले चेकअप करेंगे क्योंकि मुझे वोल्ट तो मिल गया है, अब मुझे चेकअप करना है पिकअप कॉइल। तो जैसे कि मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यू पे किया, ठीक है, मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे किया और यही हम रख देंगे आप लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि हमने कनेक्शन किया लेकिन यहाँ हम लोगों का पॉइंट शो नहीं कर रहा है, तो इसका रीडिंग अगर हम लोगों को नहीं दिखाएगा तो पिकअप कॉइल ख़राब है। इसमें हम लोगों को 130 40 200 के आसपास में पॉइंट दिखाना चाहिए लेकिन नहीं दिखा रहा है, ठीक है। अब हम जैसे कि आपको बताते हैं जो ये पिकअप कॉइल के अंदर क्या हुआ है। ये हम ढक्कन खोलेंगे, खोलने के बाद ये जो पिकअप कॉइल है दूसरा हम लगाएंगे। हम आपको मल्टीमीटर से चेकअप करके बता देते हैं जो किस तरह से पॉइंट आएगा। तो चलो पॉइंट के बारे में दिखाते हैं। तो जैसे कि ये मेरा पिकअप कॉइल है, एक वायर हम यहाँ लगाएंगे और एक वायर बॉडी करेंगे। तो जिस तरह के जैसे कि 212 140 130 इस तरह का आएगा। तो अब इसको हम सेटिंग करेंगे, ये ढक्कन खोल के, तो ये जो ढक्कन खोल के हम चेकअप करेंगे और पिकअप कॉइल इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पॉइंट आ रहा है कि नहीं आप लोगों को हम बताते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे कि हमने खोल के और पिकअप कॉइल सेटिंग कर दिया है, अब हम आपको पॉइंट दिखाते हैं इसमें सच में पॉइंट आ रहा है कि नहीं। तो चलो मल्टीमीटर को यहाँ पर किया और जैसे कि दो वायर हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए लगाने के बाद 142 पॉइंट आ रही है। तो 142 पॉइंट आ रही है। अब हम इस कपलर को हमने लगा दिया है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ हम लोग चेकअप करके जो हम लोगों का सच में यहाँ वोल्ट आ रही है कि नहीं। तो चलो मल्टीमीटर को कहीं फिट कर देते हैं, फिट कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं जो पिकअप कॉइल का हम लोगों का इनपुट ठीक मिल रहा है कि नहीं। तो देखो 140 42 पॉइंट मिल रहा है। अब मेरे हिसाब से हम लोगों का हर कोई चीज़ इनपुट ठीक हो गया, जैसे कि पिकअप कॉइल भी इनपुट मिल गया, बॉडी ग्राउंड भी इनपुट मिल गया और वोल्ट भी इनपुट मिल गया। अब सवाल है जो आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। तो ये जो ऑरेंज कलर का वायर है इसमें हम लोगों का जैसे कि ये जो CDI कॉइल है, CDI कॉइल में इनपुट बैठता है और इसमें हम लोगों का आउटपुट निकल के जैसे कि यहाँ बोतल कॉइल है, हम लोग हिंदी में इसे बोतल कॉइल बोलते हैं, कोई जैसे कि बंगाली में इग्निशन कॉइल बोलते हैं, ST कॉइल बोलते हैं। तो आउटपुट यही निकल के जाता है। तो अब हम चेकअप करेंगे ये लगाने के बाद हम लोगों का बोतल कॉइल में वोल्ट जा रही है कि नहीं। तो चलो लगा दिया। अब जैसे कि इस बोतल कॉइल का जो ये कपलर है हमने इसको जैसे कि चेकअप करेंगे इसमें वोल्ट आ रही है कि नहीं। जैसे कि ये बोतल कॉइल में हम एक कनेक्शन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको बॉडी के साथ टच करेंगे, चट चट करेगा। तो इग्निशन ऑन कर दिया है। अब हम सेल मारेंगे तो यहाँ चट चट करके वोल्ट आ रहा है, ठीक है। चलो इसे हम लगा देते हैं, ठीक है, इस कपलर को हम लगा देते हैं। तो मेरा CDI का आउटपुट इनपुट सब कुछ चेक कर लिया है। अब बाइक स्टार्ट होना चाहिए 100%। तो ये हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है, हम लोग न्यू CDI लगा के देखने का ज़रूरत नहीं है, बट हम लोगों को देखना है इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन, तब जाके हम लोग का पता चल जाता है मेरा CDI ख़राब है या अच्छा है।
तो जैसे कि आप लोगों को बताया, इनपुट लाइन अगर अच्छा रहे और जैसे कि ये जो बोतल कॉइल में वोल्ट नहीं जा रहा है, तो आपको समझना चाहिए ये मेरा CDI ख़राब है। तो फिलहाल हमारा इसमें इनपुट लाइन सब कुछ ठीक था, वोल्ट ग्राउंड सब कुछ ठीक था, लेकिन पिकअप कॉइल का जो पॉइंट था वो हमारा हम लोगों का मिसिंग था। तो आप लोगों ने देखा, हमने पिकअप कॉइल चेंज कर दिया और हमारा इनपुट लाइन भी ठीक कर दिया। तो चलो इसे हम लगाते हैं और बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाते हैं ये बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो चलो हमने जैसे कि लगा दिया है, अब स्पार्क प्लग में भी हमने सेटिंग कर दिया है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब स्टार्ट करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा इस बाइक का करंट मिसिंग प्रॉब्लम था और हमने आप लोगों को दिखाया जो किस तरह से हम लोग चेकअप करें, चेकआउट करें, और हमने आप लोगों को फर्स्ट टाइम खोल के दिखाया और क्या क्या मिसिंग था वो भी हमने ठीक किया, और उसके बाद हमने पिकअप कॉइल लगाया और बाइक स्टार्ट हो गया। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग पाना चाहते हैं हर मॉडल का, हर बाइक का, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु का सर।